बाबाजी, संकल्प दही हंडी के महोत्सव पर आपका बहुत 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 स्वागत है। आपने देखा क्राउड तो पागल हो रहा था और आपने क्या नचाया उन लोगों को। आई एम श्योर वो लोग अपनी मटकी छोड़ के आपके गाने पर नाच रहे होंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस स्टेज पर? मैं सचिन भाव का बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड संकल्प का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया और इतनी अच्छी ऑडियंस के साथ मिलने का, परफॉर्म करने का। बहुत मज़ा आया, स्पेशली जब वो ऊपर जाते हैं एकदम से इतने हाइट पर जाके फिर गिर जाते हैं तो बड़ा दिल को झटका भी लगता है, बट बहुत मज़ा आ रहा था और पता भी नहीं चला कि मैंने एक घंटा गाया। और भाभी जी यहाँ बोर हो रहे थे लेकिन लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बोर हो रही थी। एनीवेज तो अगर आपको मौका मिला जाए, कभी आपने दही हंडी कभी चढ़े हो, आप मटकी फोड़ने चढ़े हो? फिलहाल तो कभी मौका लगा नहीं, लेकिन जब लगेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अपनी हड्डी पसली तोड़वाने के लिए। बट बहुत अच्छा इंडियन फेस्टिवल है और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी मुंबई हंसती रहे, खेलती रहे, कोई बाढ़ ना आए, कोई बमब्लास्ट ना हो। सो लव यू ऑल, थैंक यू। हमारे सम्मानीय सचिन भाव और संगीता जी का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो आपका उनके बारे में क्या कहना है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं उनसे मिला हूँ और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे कॉल करा। मैं दिल्ली में था कि आपको परफॉर्म करना है और दही हांडी के महोत्सव पर परफॉर्म करना है, तो मेरी तरफ से भी जितनी चैरिटी हो पाई मैंने करी है, उनका साथ दिया है। एंड हर साल मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह हमारी दोस्ती बनी रहे और अच्छे कामों के साथ मैं भी जुड़ूंगा उनके साथ।